बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी नजर आए। वहीं नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सारा देश सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं, सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। इस बैठक पर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर चुटकी ली और कहा कि तेजस्वी यादव आपकी साइड में खड़ा और आप भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हो, कम से कम अपने दोस्त को तो बख्श दो। खैर, भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती क्योंकि शराब हवाला घोटाले में आपके दो मंत्री जेल में हैं जिनको जमानत तक नहीं मिल रही। कम से कम भ्रष्टाचार पर तो आप बात ना ही करें। वहीं नीतीश कुमार ने इससे पहले कांग्रेस के साथ भी बैठक की थी जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सबसे बातचीत हो रही है और समर्थन मिल रहा है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करूंगा यार, अरे नीचे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार करने की जुगत में लगे हैं ताकि 2024 के चुनाव के दौरान पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दी जा सके। Share your views in the comment section and please subscribe to India News TV for more such updates.